आज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार सादर अभिवादन मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार सहायक आचार्य शिक्षा वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड 19 पीरियड में कोविड 19 पीरियड से पहले भी ओपन एंड डिस्टेंट लर्निंग एक महत्वपूर्ण लर्निंग मीडियम था ख़ास करके उन व्यक्तियों के लिए जो किसी भी कारण से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तक नहीं पहुँच पाते थे या फिर उन्हें एजुकेशन सुलभ नहीं था तो आज के इस व्याख्यान का जो उद्देश्य है वो है कि आपके साथ हम शेयर करें कि ऑडियल सिस्टम है क्या टू डिस्कस जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम और दूसरा जो इस आज के इस व्याख्यान का उद्देश्य है ऑडियल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं टू एक्सप्लेन सैलेंट फीचर्स ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम चूँकि कई बार लर्नर अवेयर नहीं होता है कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम क्या होता है और कैसे ये रेगुलर सिस्टम से डिफ़र करता है ऐसे में हम सभी के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम क्या है इसके महत्व क्या हैं और कैसे ये कन्वेंशनल सिस्टम से फेस टू फेस सिस्टम से डिफ़र करता है जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख पा रहे हैं ये सुप्रसिद्ध विद्वान ओटो पीटर्स साहब का है ओटो पीटर्स जर्मनी के प्रोफेसर हैं और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पर इन्होंने बहुत काम किया है ओडो पीटर साहब ने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की परिभाषा देते हुए कहा है कि दिस इज़ एन इंडस्ट्रियलाइज्ड फॉर्म ऑफ एजुकेशन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग जो है वो इंडस्ट्रियलाइज फॉर्म ऑफ एजुकेशन है इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी आज से कुछ साल पहले कही थी जब कोविड नाइन्टीन नहीं आया था लेकिन कोविड नाइन्टीन आने के बाद इनकी बात ये सेंटेंस जो लिखे हैं स्क्रीन पे ये मुझे ज़्यादा रेलिवेंट लगे इसलिए मैंने यहाँ पर आपसे शेयर किया है कि नेवर बिफोर वे आर देर सो मेनी पर्सन्स वेइंग द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ दिस फॉर्म ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग फिज फॉर्म ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग द ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सो नेवर बिफोर वे आर देर सो मेनी पर्सन्स वेइंग द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ दिस फॉर्म ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग नेवर बिफोर वे आर सो मेनी रेस्पेक्टिव एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड इन द फील्ड इन द फील्ड ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग

कि नाउ इवन एक्सपर्ट्स आउटसाइड द फील्ड जो लोग ओपन एंड डिस्टेंट लर्निंग के नहीं हैं इसे बाहर के भी हैं या किसी भी फील्ड के हैं वो भी ओपन एंड डिस्टेंट लर्निंग की यूनिक पॉसिबिलिटीज़ के बारे में आज की तारीख में बातें कर रहे हैं आज की तारीख में आप देख रहे होंगे कि जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन सब ने अपने अपने मीटिंग्स जो है वो ऑनलाइन कर दिए हैं या आईसीटी टूल बेस्ड कर दिए हैं तो ये सारी चीज़ें कुछ नहीं बस दीज आर ऑल्सो द टूल्स ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सो लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ तो अब सबसे पहला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि ओडियल क्या है वॉट इज ओडियल ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग दो वर्ड है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग तो ये वस्तुतः एक सिस्टम के कई नाम हैं जब ये शुरू हुआ था तो इसका नाम कोसोडेंस कोर्स था बाद में इसका नाम ओपन लर्निंग हुआ फिर इसका नाम डिस्टेंस लर्निंग हुआ फिर इसका नाम कोसोडेंस कोर्स ऑनलाइन लर्निंग अब ई लर्निंग ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन ये सारे लगभग सिनोनिमस हैं लेकिन चूँकि कोई भी दो शब्द समान नहीं होते उन शब्दों में थोड़ा थोड़ा अंतर जरूर होता है तो इनमें अंतर है लेकिन सिनोनिमसली ये सारी चीज़ें यूज किए जाते हैं तो एक ही सिस्टम है जिसके ये मेनी नेम्स बहुत सारे नेम्स हैं दूसरा कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को आज की तारीख़ में कठिन है डिफाइन करना और इसलिए कठिन है डिफ़ाइन करना कि टेक्नोलॉजी में इतनी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं कि हर रोज हर रोज ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की न्यू मॉडलिटी डेवलप हो रही है जैसे ऑनलाइन लर्निंग ई लर्निंग सिंक्रोनस लर्निंग एसिंक्रोनस लर्निंग एंड सोन तो आईसीटी के टूल्स में लगातार हो रहे परिवर्तनों की वजह से ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को शब्दों में बांधना थोड़ा कठिन है लेकिन एक वर्किंग डेफिनेशन ले लेते हैं कि ओपन एंड डिस्टेंट लर्निंग सिस्टम इज अ सिस्टम वेयर इन टीचर्स एंड लर्नर्स नीड नॉट नेसेसरीली बी प्रेजेंट आइदर एट सेम प्लेस सेम टाइम एंड इज फ्लेक्सिबल इन रिगार्ड टू मॉडलिटीज एंड टाइमिंग ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एज ऑल्सो द एडमिशन क्राइटेरिया विदाउट कंप्रोमाइजिंग नेसेसरी क्वालिटी कंसिडरेशंस अपने एम एच आर डी जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है अब मिनिस्ट्री ऑफ़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो कहता है कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम जो है वो ऐसा सिस्टम है जहाँ पर टीचर और लर्नर को एक साथ उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है न तो एक स्थान पर उपस्थित होने की आवश्यकता है न एक समय पर उपस्थित होने की आवश्यकता है साथ ही यह अपने टीचिंग और लर्निंग के टाइमिंग और मोडलिटीज़ में पर्याप्त फ्लेक्सिबल है साथ ही एडमिशन में भी पर्याप्त फ्लेक्सिबल है परंतु क्वालिटी कंसिडरेशन से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता अर्थात ओडियल सिस्टम गुणवत्ता युक्त शिक्षण एवं अधिगम का वह प्रकार है जिसमें पर्याप्त लचीलापन है टीचर और लर्नर को एक स्थान पर मौजूद रहने की जरूरत नहीं है एक ही समय पर मौजूद रहने की ज़रूरत नहीं है एडमिशन में फ्लेक्सिबिलिटी है इवन कहें तो एग्जामिनेशन में फ्लेक्सिबिलिटी है लेकिन क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं है द क्वालिटी इज ऑफ द सेम देन दैट ऑफ रेगुलर वन जो कन्वेंशनल सिस्टम की क्वालिटी है वही क्वालिटी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम की भी है दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑन इट्स वेबसाइट अब बात करें हम फीचर्स ऑफ ओडीएल की तो ध्यान रखिए कि ओडीएल में दो वर्ड्स हैं ओपन लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग और दोनों दो डिफरेंट चीज़ों को डिनोट करते हैं ओ डी एल ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग तो कोई सिस्टम जो है वो हो सकता है कि ओपन हो लेकिन डिस्टेंस ना हो और कोई सिस्टम हो सकता है कि डिस्टेंस हो लेकिन ओपन ना हो कारण क्या है ओपन का मतलब होता है ओपननेस ओपननेस का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम क्योंकि कोई टाइम लिमिट नहीं है आप जब चाहें तब पढ़ सकते हैं पेस कोई गति फिक्स नहीं है एक साल में कोर्स करें आप दो साल में कोर्स करें आप चार साल में कोर्स करें आप छः साल में कोर्स करें आप प्लेस कोई भी जगह फिक्स नहीं है कि इस जगह पे ही आपको आना है एज कोई भी एज फिक्स नहीं है और उसमें साठ साल का आदमी भी एडमिशन ले ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए तो ये तो ओपननेस है दिस इज ओपननेस ओपन इन टर्म्स ऑफ टाइम पेस एज और एनी सच अदर थिंग तो कोई सिस्टम जो है जैसा कि मैंने कहा आपको कि ओपन हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि डिस्टेंस हो और कोई सिस्टम डिस्टेंस हो जरूरी नहीं कि ओपन हो जैसे मान लीजिए कि कोई सिस्टम हमने डेवलप किया उसमें हमने टाइम का क्राइटेरिया रख दिया कि इस टाइम से इस टाइम तक आपको यहाँ पर मौजूद रहना है आपको इतने दिन में कोर्स पूरे कर लेने हैं और आपको इस एज तक इनोलमेंट होगा तो ये एक डिस्टेंस कोर्स तो हो सकता है लेकिन ये एक ओपन कोर्स नहीं है अगर हमने सारी चीज़ें फ्लेक्सिबल कर दी कि भाई ना तो कोई टाइम का क्राइटेरिया है न पेस का क्राइटेरिया है न प्लेस का क्राइटेरिया है न एज का क्राइटेरिया है तो ये ओपन कोर्स होगा इसीलिए यहाँ पे दो वर्ड हमेशा यूज किए जाते हैं ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग जिस डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में हमने तय कर दिया कि ये प्रोग्राम आपको छः महीने में ही पूरा करना है ये प्रोग्राम आपको इस टाइम पर देखने ही देखने हैं वो ओपन नहीं रह जाएगा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के जो फीचर्स है जो विशेषताएँ थी उसकी बात हम कर रहे थे कि ओपननेस इन टर्म्स ऑफ टाइम पेस प्लेस और एज कोई एज लिमिट नहीं होती कोई टाइम लिमिट यूजुअली नहीं होता हालांकि पूरी तरह से ओपन कोई सिस्टम नहीं हो सकता टाइम लिमिट होते हैं दो से छ साल तीन से पाँच साल चार से आठ साल ऐसे ही लेकिन एज का ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता प्लेस का नहीं होता पेस का नहीं होता साथ ही जो ओडियल है वो इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ मल्टी मीडिया मल्टी मीडिया बेस्ड लेक्चर्स का यूज़ करता है मास मीडिया बेस्ड टूल्स का यूज़ करता है और आजकल न्यू मीडिया बेस्ड टूल्स का भी यूज़ करता है जैसे फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम एंड सो ऑन बेस्ड ऑन लर्न एंड अर्न फिलोसफी ओडीएल जो है लर्न एंड अर्न फिलोसफी पे आधारित है क्योंकि इसमें अधिकांश लोग वही हैं जो कहीं काम कर रहे हैं या किसी कारण से पढ़ाई छोड़ चुके हैं तो ओडियल के माध्यम से आप कहीं पे काम करते हुए आप अर्न करते हुए चाहें तो लर्न कर सकते हैं दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ ओडीएल दैट इट इज़ बेस्ड ऑन लर्न एंड अर्न फिलोसफी फ्लेक्सीबिलिटी इन एडमिशंस एडमिशन में फ्लेक्सीबिलिटी होती है हमेशा आप अधिकांश ओपन यूनिवर्सिटीज में जनवरी और जून सत्रों में प्रवेश ले सकते हैं और अधिकांश में कुछ कार्यक्रमों को छोड़ के अधिकांश में कोई प्रवेश परीक्षा वगैरह नहीं होती है जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं उनमें इसके अलावा फ्लेक्सीबिलिटी इन एग्जामिनेशन अधिकांश जो भारतीय मुक्त विश्वविद्यालय हैं ओपन यूनिवर्सिटीज हैं वो जनवरी और जून दोनों महीनों में एग्जाम कराते हैं आप चाहें जिस महीने में एग्जाम दे लें और अगर आपका मिनिमम ड्यूरेशन पूरा हो जाता है तो जो जो छः महीने के हर साइकिल पर एग्जाम किया जाता है उसमें से किसी भी साइकिल में आप अपनी परीक्षाएं दे सकते हैं और आप पास कर सकते हैं और आप एक एक्यूमुलेटिव डिग्री पा सकते हैं इंक्लूसिवनेस ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में इंक्लूसिवनेस है चूँकि जो डिसेबल्ड लर्नर दूर किसी ए, स्कूल में किसी कॉलेज में नहीं जा सकता जो सोशियो डिसडवाटेज ग्रुप का विद्यार्थी है जहाँ उसके शहर में कोई कॉलेज नहीं है कोई विश्वविद्यालय नहीं है उसके गांव में कोई विश्वविद्यालय है वो 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर है वो वहाँ जा नहीं सकता वहाँ पर पहुँचे डिस्टेंस एजुकेशन की ओपन एजुकेशन की मीन्स टू से एजुकेशन एट योर डोर स्टेप दैट इज ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोग्राम ड्यूरेशन यूजुअली क्या होता है सामान्य सिस्टम में कि प्रोग्राम ड्यूरेशन आपका फिक्स होता है दो साल तीन साल चार साल पाँच साल जो भी है लेकिन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में प्रोग्राम ड्यूरेशन फिक्स नहीं होते बल्कि प्रोग्राम के रेंज फिक्स होते हैं जैसे अगर मास्टर प्रोग्राम आप कर रहे हैं तो कई यूनिवर्सिटीज दो साल से छः साल आपको देते हैं दो साल से सात साल दो साल से आठ साल एक साल से चार साल एक साल से पाँच साल मतलब इस दौरान आप जितने भी हमारे परीक्षाएं चल रही हैं जितने भी ओपन एडिशन लर्निंग की परीक्षाएं चल रही हैं हर छः महीने पे, उनमें किसी में भी आप एपियर होकर के पास कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि अगर इस साल आप पास नहीं हुए तो अब अगले साल पिछले बैच के साथ ही आप एग्ज़ाम देंगे दिस इज नॉट द केस टिंग द एग्जाम इंडस्ट्रियलाइज फॉर्म ऑफ लर्निंग है ओटो पीटर्स ने कहा था इंडस्ट्रियलाइज फॉर्म ऑफ लर्निंग है क्योंकि यहाँ पर मासल पर ट्रेनिंग दी जाती है बड़ी संख्या में ट्रेनिंग दी जाती है एक एक लाख डेढ़ डेढ़ दे लाख स्टूडेंट इनरोल होते हैं एक एक प्रोग्राम में चार चार हजार स्टूडेंट इनरोल होते हैं दस दस हजार स्टूडेंट इनरोल होते हैं दूसरा एग्जाम्पल और मैं आपको बताता हूँ इंडस्ट्रियालाइज फॉर्म क्यूँ आजकल आपने मूक्स का नाम सुना होगा मूक्स उसका पूरा नाम ही है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज मैसिव मैसिव का मतलब क्या लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पांच सौ हजार दस हजार बीस हजार एंड सो ऑन एक और फायदा है कि क्रे, क्रेडिट ट्रांसफर की सुविधा है जितने भी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज हैं उनमें क्रेडिट ट्रांसफर होते हैं कुछ क्रेडिट की परीक्षाएं मान लीजिए छह क्रेडिट का एक पेपर आपने अभी दे दिया अब क्रेडिट का अगला पेपर आपने अगली बार दिया तो ये पहले पेपर वाला क्रेडिट आपका अगले पेपर में ट्रांसफर हो जाएगा और ऐसे अगर आपका मान लीजिए चौबीस क्रेडिट का एग्ज़ाम था तो चार पेपर आपने अलग अलग टाइम पे दिए चौबीस क्रेडिट पीछे वाले ट्रांसफर होते होते आपको एक कंसल्टेटेड मार्कशीट कंसल्टेटेड डिग्री इशू कर दी जाएगी इसके अलावा ये लर्नर सेंटर्ड है कि सेल्फ लर्निंग मटेरियल वगैरह लर्नर को ध्यान में रखे जाते हैं बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग की फिलोसफी पर आधारित है चूँकि कोई भी एज निर्धारित नहीं होता कि इतनी एज का बच्चा हमारे यहाँ किसी भी ओपन एंड डिशनल लर्निंग में एडमिशन ले सकता है एडल्ट लर्निंग के कॉन्सेप्ट पर आधारित है फोस्टर द नीड ऑफ ए इससे पहले जैसा कि मैंने चर्चा किया कि वो जो सोशियो इकोनॉमिक डिसडवाटेज ग्रुप के लोग हैं उनके नीड को पूरा करता है और एजुकेशन एट योर डोर स्टेप ये चर्चा मैं आपसे कर चुका हूँ कि ये आपके दरवाजे पर आपको शिक्षा प्रदान करता है तो मित्रों आज हमने सीखा कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग क्या है और हमने सीखा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की, की विशेषताएं क्या है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की प्रमुख विशेषताओं में उसकी फ्लेक्सिबिलिटी उसकी ओपननेस उसके क्रेडिट ट्रांसफर की प्रॉपर्टी उसका टाइम लिमिट से बाहर होना ये सारा है आगे की स्लाइड्स पर कुछ सेल्फ रिवेल्यूशन के क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको आप हल करें तय करें कि आपने कितना सीखा तब तक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद आगे के व्याख्यानों में हम ओडीएल के अन्य एस्पेक्ट्स पर चर्चा आपके साथ करते रहेंगे E aí